एंटरटेनमेंट पॉलिटिक्स सबसे ज्यादा एंटरटेनमेंट है आपके लिए, तो भी आप बोल रहे हैं एंटरटेनमेंट वालों को देते नहीं है, आपका बिजनेस पॉलिटिशियन ने बंद कर दिया है। अरे आप सवाल पूछेंगे, नरेंद्र मोदी स्टाइलिश और डिसाइसिव दोनों साथ में चीजें हैं और ये बहुत अच्छी बात है। किसमें? कंफर्ट, साफ सुथरापन, अच्छाई। जब आदमी के दिल में अच्छाई होती वही स्टाइल बाहर निकल आती है। मुझे लगता है उस निर्णय ने ये दिखाया कि 2019 में क्या निर्णय आने वाला है। आप पिछले कुछ दिनों से देख रहे हैं कि योगी जी ने बाहर आके किस रूप से काम किया है। एक पुलिस स्टेशन में जाके काम करना हो, वहाँ पे देखना कि क्या चल रहा है, साफ सफाई। एक इतने बड़े स्टेट का चीफ मिनिस्टर पहले कहता है कि ब्यूरोक्रेट्स ने थूकना बंद करना चाहिए। मुझे लगता है छोटी छोटी चीज़ों से लेके बड़े राजनीतिक निर्णय, जिससे लोगों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर हो, कुछ भी हो, उससे बहुत अच्छे असर हो रहे हैं। और क्या चाहिए एक मुख्यमंत्री से? आप मुझे पॉलिटिकल सवाल कैसे पूछ रहे हैं? आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम? एम पी। माई ओपिनियन इज वेरी क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल, वी ऑल हैव आवर ओन प्रॉब्लम्स, बट टेकिंग आउट ऑन समवन एल्स इज टेरेबल। मुझे लगता है पार्टी ने उनको प्रश्न पूछना चाहिए, और हम सब ये जानते हैं कि एक सरकारी कर्मचारी हो, कोई भी कर्मचारी हो, गुस्सा आ रहा है तो आप कहीं खत लिख के उनकी कंप्लेन कर सकते हैं कुछ गलत हो, लेकिन ये हाथ उठाना बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। तो ठीक है ना, कागज़ पे आप लिखिए कि आपको किसी कर्मचारी की तकलीफ हो रही है, तो ऐसे कुछ नहीं कि गलती होती नहीं होगी, तो आप कहीं ना कहीं कंप्लेन कर सकते हैं, हर पटल पे कंप्लेन कर सकते हैं। हाथ उठाना है किसने सिखाया है? यू हैव योर फ्रीडम ऑफ स्पीच, बट यू कैन नॉट इम्पाउंड ऑन, जस्ट पुट इट ऑन समवन एल्स। सो आई एम नॉट स्टाइलिश एट ऑल, एज आई हैव सेड इट हियर। आई वाज वर्किंग द होल डे, युवा मोर्चा की अध्यक्ष हूँ, तो युवाओं के साथ दोपहर तक काम करके अभी मैं लैंड हुई हूँ, और फ्लाइट में ही कपड़े चेंज करके यहाँ पे पहुँची हूँ। स्टाइल इज़ ऑल अबाउट कंफर्ट। आप स्टाइलिश अपने काम से हो सकते हैं, अपने भाषण से हो सकते हैं, आपका अपीयरेंस और आपका दिल अच्छा होना स्टाइल ही होती है। थैंक यू, बाय।